हेलो गैस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है। जी हाँ गैस, अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है कि आपके फ़ोन में कहीं भी आवाज़ नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि आपने यूट्यूब को ओपन किया और यूट्यूब ओपन करने के बाद आप यूट्यूब में कोई मूवी देख रहे हैं या फिर आप कोई वीडियो गाना वाना सुन रहे हैं या फिर आप कॉल पर बात कर रहे हैं, तो बात करते समय भी आपको सेम प्रॉब्लम आ रही है कि आपके फ़ोन में कहीं भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो भाई, इस प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। 101% आपकी जो प्रॉब्लम है इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है देखना है कि अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर डोंट नो डिस्टर्ब मोड ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए। यहाँ पर आपको चांद वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो ये होता है डोंट नो डिस्टर्ब। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन में आते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से आपको डोंट नो डिस्टर्ब का मोड दिखाई देगा। अगर ये ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए। सबसे पहले काम तो आपको यही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है, और सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिल जाता है मीडिया रिंगटोन नोटिफिकेशन अलार्म। तो भाई, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर अगर कोई भी वॉल्यूम कम है तो उसको फुल कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये रिंगटोन है, इसको यहाँ पर फुल कर लेंगे, अगर कम है तो फुल कर लेंगे। इन सभी का आपको ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पर वॉल्यूम कम होगी उसको यहाँ पर फुल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, आपके फ़ोन में अगर कहीं भी आपको आवाज़ नहीं आ रही है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको वॉल्यूम बटन फंक्शन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको मीडिया वॉल्यूम पर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मीडिया वॉल्यूम पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलता है साउंड मोड। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपका वाइब्रेट सेलेक्ट है या फिर साइलेंट मोड सेलेक्ट है, यहाँ पर रिंगिंग सेलेक्ट कर लेंगे। भाई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को पावर बटन दबाना है। उसके बाद आप रिस्टार्ट पर क्लिक करके यहाँ पर अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेंगे और आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब समझ लीजिएगा कि आपके फ़ोन का स्पीकर ख़राब है। तो भाई, आप इसको रिपेयर कराइएगा और इस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे।